बुवाई हमेशा समय पर करें। जल्दी बोने से फुटान ठीक से नहीं हो पाती। देरी से बुवाई करने पर फसल पकते समय तापमान अधिक बढ़ जाता है और दाने सिकुड़ जाते हैं और उत्पादन पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए दिन और रात का औसत तापमान 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो गेहूं की बुवाई करनी चाहिए। बुवाई करते समय ध्यान रखें कि बीज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा न जाने पाए। गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने में सिंचाई के समय का बड़ा महत्व है। फसल की 6 क्रांतिक अवस्थाएं ऐसी हैं जिन पर गेहूं में सिंचाई की जाए तो अधिकतम उत्पादन मिलता है। सबसे पहले 20 से 25 दिन की फसल होने पर शीर्ष जड़ जमते समय सिंचाई करें। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन की फसल होने पर फुटान की अवस्था में करनी चाहिए। इस समय सिंचाई से पहले खड़ी फसल में 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया छिटक कर दें। 65 से 70 दिन की फसल होने पर गांठ बनते समय सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद 85 से 90 दिन बाद जब बालियां आनी शुरू हों तब सिंचाई अवश्य करें। दाने की दूधिया अवस्था होने पर बुवाई के 100 से 110 दिन बाद पांचवीं सिंचाई करें। दाना पकते समय अंतिम सिंचाई को हम 2 भागों में बांटकर दे सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से फरवरी के महीने में ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं और दूधिया अवस्था में तेज गर्मी से फसल को नुकसान रहने की आशंका रहती है। ऐसे समय में हल्की सिंचाई करने पर तापमान को फसल के अनुकूल बनाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। पानी की कमी को देखते हुए मुख्य क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना बहुत जरूरी है। जैसे यदि 5 सिंचाई के लिए ही पानी है तो दाना पकते समय सिंचाई कम की जा सकती है। 4 सिंचाई के लिए ही पानी उपलब्ध है तो गांठ बनते समय की सिंचाई को भी अनदेखा कर सकते हैं।